आज के इस कलयुग में हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि पैसा आजकल के टाइम पे बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन हमारी इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर लोगों को पैसे की कदर नहीं, क्योंकि उस देश में बेशुमार पैसा है। वहाँ पर लोग सोना पहनते नहीं बल्कि उससे नहाते हैं। क्या आपने भी ऐसे देश के बारे में सुना है? क्या आप जानना चाहते हैं इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर इस कदर पैसा बरसता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयशा स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। ऐसे ही एक अजीबोगरीब देश के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इस खूबसूरत देश का नाम है कतर। ये देश जितना खूबसूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत इस देश की महिलाएं हैं। इतना रईस होने के बाद भी इस देश की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सुनने में अजीब लगेंगी, जैसे कि यहाँ पर महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं दी जाती जितना कि बाकी देशों में दी जाती है। जैसे यहाँ की महिलाओं को बिना बुर्का पहने बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, वहीं यहाँ के पुरुष को पब्लिक प्लेस में अपनी शर्ट भी उतारने की इजाज़त नहीं दी जाती, ना ही यहाँ पर सड़क के किनारे कपल रोमांस देखने को मिलता है। ऐसा करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसे यहाँ की सरकार काफी कठोर दंड देती है। इस देश के इतने अमीर होने का राज यहाँ के तेल के कुएं और नेचुरल गैस है। वैसे तो इस देश के काफी सख्त कानून है, लेकिन रात के समय यहाँ पर क्लब देखने लायक होते हैं। इस देश की खूबसूरती और क्लब में खूबसूरत महिलाओं का डांस देखकर यहाँ के शेख उन पर करोड़ों रुपए लुटा देते हैं। भारत के लिए कतर जाना काफी आसान और सस्ता पड़ता है, और कतर में ऐसे रोजगार भी हैं जहां पर जाने के बाद आम व्यक्ति काफी जल्द अमीर भी बन सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कतर जाना पसंद करेंगे? और क्या आपका भी सपना है कतर जैसे खूबसूरत देश में जाकर अपने सपने को साकार करना? आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप कतर जाकर घूमकर आ चुके हैं? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमें अपनी राय कमेंट में हमसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।